मॉर्निंग, हेलो गाइस। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, स्कूल में देने के लिए ब्रेड का। देखिए ब्रेड के लिए मैंने कैसे बनाया है इसको। इसको क्या नाम देंगे, नाम तो मुझे अभी तक इसका मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि मैं आज न्यू तरीके से बना रही हूँ इसको, तो अभी मैंने इसका नाम नहीं रखा है। क्या नाम रखूँ बेटा, इसके अंदर तो मैंने वो लगाया है टमाटो प्यूरी। ये टमाटर सब्जी बनाने की जो होती है टोमेटो प्यूरी, वही है ये इसके अंदर। तो क्या बना सकते हैं, अच्छा, और इसके अंदर है मैदा और सूजी मिक्स करके, और ये जो रेड रेड दिख रहा है ये है रेड चिल्ली, जो कि कुटी हुई लाल मिर्च है। और बस तीन चीज़ों से बना है, ये है रिफाइंड ऑयल, इन तीन चीज़ों से बना है। इसको पहले इस तरह से इसमें लगा लीजिए, ये ग्रेवी है सब्जी की ग्रेवी, इसको ऐसे लगा लीजिए पहले, इस प्रकार से लगाइए इसको, चाहे दोनों में लगाइए चाहे एक में लगाइए। और फिर इसको चम्मच की सहायता से इसके ऊपर ऐसे कोटिंग कर दीजिए और साइड से ऐसे थोड़ा सा डिप कर लीजिए ताकि ये चिपक जाए आपस में। इसको ऐसे डाल दीजिए, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और हल्का सा साइड में ऑयल डाल दीजिए बस। और अब इसके ऊपर लगाइए इसको, ऐसे करके इस प्रकार से मैं इनको बना लूँगी। बंद कराया फिर अब इसको मैं इसकी सहायता से पलट दूँगी चक्कू की सहायता से, नहीं तो आप पलटे के सहायता से पलट लीजिए। अब इसको अच्छे से पका लीजिए, जितने ही पकड़े इतने मैं दूसरे में लगा देती हूँ। ये देखिए इसमें ऑयल भी कम लगता है और ये बहुत टेस्टी हुआ खाने में। हाँ, और मैं कहना भूल गई, इसमें खाली डाला है मैंने नमक, मिर्च, लाल मिर्च और अजवाइन, बस इसमें ओनली तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आपकी इच्छा तो थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, वैसे मैंने डाली है हल्की सी चुटकी भर, नहीं इच्छा हो तो मत डालो, कोई ज़रूरी नहीं होती। अब इसको इस तरह से पका लिया है, ये क्रिस्पी हो गई है देखिए। अब इसको मैं इसको निकाल दे रही हूँ, दूसरी इतने में इसको नीचे रख लेती हूँ, और इस प्रकार से मैं सारे बना लूँगी ब्रेड बच्चों को जितनी ले जानी है। ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया है इसको, अब इसके ऊपर से कोटिंग कर देती हूँ। फ्लेम कम कर रखा है मैंने, ऐसे लग रहा है जैसे फ्लेम तेज़ है पर तेज़ नहीं है फ्लेम, फ्लेम कम है। इसमें हल्का सा ऑयल डाल देना है साइड में बस। देखो अगर नीचे थोड़ा सा गिर जाता है तो उसको इस तरह से सही कर लीजिए। दूसरा कांटा ले लेंगे, उसको बाद में उठाएंगे, अब टाइम नहीं है, जो गिरता है तो गिरने दो। एक बच्चे का टिफिन पैक हो गया, अब दूसरे की बारी। गीला है इसको पोंछ लो थोड़ा बहुत, और इसको इसके अंदर फिट किया, इतने अब ये ठंडे हो गए। अब इसको भी कट कर लेती हूँ, ये मेरे किचन की कैंची है, ये किचन में रहती है अक्सर। ये वाला हल्का गर्म है इसलिए सबसे ऊपर है, कोई बात नहीं। एक मैं निकाल लेती हूँ टेस्ट करने के लिए कैसा बना है, काटा रख देती हूँ। इसमें भी काटा रख दिया, इसका ढक्कन। ये मेरी
छोटी बेटी का टिफिन है, उसकी ये निशानी है, ये उसका टिफिन है, ये बीच वाली का टिफिन है। अब टिफिन पैक हो चुका है, बच्चों ले लो। अब मेरा ये सिंगल पराठा बन रहा है जो थोड़ा सा हेल्दी है और टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, ग्रेवी ख़त्म हो चुकी है और ये थोड़ा सा बच गया है। अब बड़ी लड़की जो बोलेगी इस ब्रेड में लगा के उसके लिए अलग बनाऊंगी। एक मैंने उसके लिए वैसे बचा दिया है, ये रहा, एक उसको टेस्ट के लिए बचा दिया है, अगर उसको पसंद आएगा तो मैं बना दूंगी, अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं, वैसे मैंने अभी खाया है, मुझे बहुत टेस्टी लगा है, उसको भी थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगी, उसका ओपिनियन जानूंगी, उस हिसाब से मैं और बना दूंगी, वरना कुछ और कर दूंगी। प्याज का पराठा बना के दे दूंगी, सब्जी और पराठा तो खा के जाएगी वो। आज बीन्स की सब्जी बनाई है, अब मैं बीन्स की सब्जी, पराठा और चाय मैं खाऊंगी। और मैं चाय गर्म करने के लिए डाल रही हूँ, मैंने अपनी साइड निकाल दी थी, फिक्की चाय है मेरी, इसलिए साइड में निकाल दी थी मैंने। बच्चों का काम हो गया, अब मैं छोटी किचन की थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे बड़ी किचन की जरूरत पड़ेगी, बच्चे छोटे थे तो इतनी किचन का इतना था नहीं। अब देखते हैं कब होता है, काम पे काम आते रहते हैं लाइफ में, काम कभी ये काम कभी वो काम। जिस दिन से मैं घूम के आई हूँ अपने मायके से, अभी तक भी मेरी थकावट नहीं हटी है, अभी ऐसा लग रहा है कितनी कहाँ से घूम के आई हूँ मैं, बहुत दूर से आई हूँ, जैसे वैष्णो माता से आते हैं ना उस वक्त ऐसा एहसास होता है, ऐसी फीलिंग हो रही है मुझे, क्योंकि मैं कभी निकलती नहीं हूँ घर से ज़्यादा, और उस दिन मैं इतना घूमी इतना घूमी, पर मैंने सबकी रिकॉर्डिंग करी पर मैंने डाला नहीं है वीडियो में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे किसी को शो करना, वो मुझे पसंद नहीं है कि किसी को मैं अपने मतलब से शो करूँ, इसलिए मैंने खाली वही सीन दिखाया है जिसमें कि यदि मैं दिख रही हूँ या मेरी बेटी दिख रही है, मेरे बच्चे नहीं दिख रहे हैं उसमें, बस एक लड़की दिख रही है, और मतलब कि कहने का मतलब सॉरी, एक मेरी बेटी दिख रही है, एक मैं देख रही हूँ बस, और किसी को मैंने दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, कि वो अच्छा नहीं लगता अपने अपने फ़ायदे के लिए मैं किसी को ऐसे दिखाऊँ शो करूँ, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अभी मेरा नाश्ता तैयार है, ये बच्चे ने सब्जी बचा दी, देखो मैंने कहा था ना बीन्स की सब्जी हमारे घर में कम खाते हैं बच्चे, तो ये मैं अपने लिए वो डाल लेती हूँ थोड़ा सा इसी में, चाय मैं गर्म करती हूँ चढ़ा देती हूँ, अब बच्चे जा रहे हैं, मैं उसको बाय करके आती हूँ, मेरे बच्चों को दो बच्चे मेरे स्कूल चले गए, बड़ी बेटी को उठाना पड़ेगा, क्यों उठो उठो उठो, 8 बजे उठाऊंगी, अब तो 7:30 बजे अभी हो रहे हैं 7:25, स्कूल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बच्चे सही टाइम पे पहुंच जाएंगे, पर मेरी घड़ी थोड़ी आगे भी है, ये 5 मिनट या 10 मिनट आगे है शायद ये घड़ी, तो काम मेरा मॉर्निंग का हो चुका है, और अब दूसरी शिफ्ट चालू होगी, एक शिफ्ट ख़त्म और दूसरी शिफ्ट चालू होने वाली है 8:30 के बाद। इस बीच में क्या करूँगी, वीडियोस देखूँगी, गाने सुनूँगी, वैसे मैं आजकल बुनाई चालू कर दी है मैंने, ऊन लाई हूँ मैं, गोले में भी लाई हूँ, लच्छी में भी लाई हूँ, दो तरह की ऊन लेकर आई हूँ मैं, मैंने पूरी सर्दी तो काटनी है, पिछले सर्दियों में मैंने खाली कान्हा के गर्म कपड़े बनाए थे, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कान्हा के कितने सारे कपड़े बनाए थे अपने मन से, जो भी मुझे आता गया मैं बनाती गई, जितनी भी ऊन बच रही थी ऊन से एक एक कलर के कई कई ड्रेसें बना दी है मैंने, क्योंकि मेरा ऐसा विचार था नहीं, बस मैं बैठ गई बनाने, मैंने एक बार वीडियो देखी, बस मेरा मन कर रहा है कान्हा के कपड़े बनाने, कान्हा है मेरे पास, तो मुझे पहले पता नहीं था कि सर्दी के अलग बनाते गर्मी के अलग, पर मुझे पिछले साल पता चला ये चीज़ वीडियो में देख के,
मैंने कहा मैं क्यों ना बनाऊँ, जब मुझे आता है बनाना। तो मैंने फिर कान्हा के बहुत सारे कपड़े बनाए पूरी सर्दी। और पिछली सर्दी में तो हमारे पास एक बिल्ली भी थी, बिल्ली को देखना, तोते को देखना, कान्हा के कपड़े बनाने, पूरा मेरा यही था। तो पूरा मेरा यही था और ऐसे ही मैंने अपना पूरी सर्दी निकाली। इस बार देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, पूरी सर्दी निटिंग करूँगी, पिक्चर देखूँगी, धूप सेकूँगी, मूंगफली खाऊँगी। घर का काम तो है ही, जो है काम सारा वो तो करना ही है। अब मेरी ऊपर की सफाई हो चुकी है।